हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में समझा था कि कैसा होता है, किस तरह से इनहेरिटेंस अचीव किया जाता है, और कुछ इसका कोडिंग एग्जांपल्स भी देखे हुए थे, जो बेसिक कोडिंग एग्जांपल होता है वो भी रियल वर्ल्ड से रिलेट करके। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है, कि इनहेरिटेंस का क्या डिसएडवांटेजेस होता है, क्या एडवांटेजेस होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनहेरिटेंस का दो एडवांटेजेस है, ठीक है। जो सबसे पहला एडवांटेजेस है वो है कोड रीयूजिबिलिटी, ठीक है। रीयूजिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी एक कोड को, ठीक है, हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। जैसे कि एक अगर क्लास है, ठीक है, ये क्लास ए है, ठीक, ये क्लास बी है और ये क्लास सी है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमने एक सो मेथड बनाया, ठीक है, वो मेथड हम वही मेथड सेम बी के लिए भी लागू होता है और सी के लिए भी लागू होता है, तो हम लोग सेम यही मेथड बी के लिए भी क्यों बनाएंगे अलग से और सी के लिए भी अलग से क्यों बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास में यही मेथड बना करके इसी मेथड को, इसी एक कोड को इसके लिए भी यूज करते हैं, इसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कोड रीयूजिबिलिटी, यानी कि एक ही बार लिखे हैं और बाकी सब के लिए भी यूज हो गया, ठीक है, बार बार इसे लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो हमारा इससे प्रोग्राम क्या बनता है, मेमोरी एफिशिएंट भी बनता है, ठीक है, और हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग भी बच जाता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट जो होता है वो लोडेड नहीं होता, हैवी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका एडवांटेज दूसरा है कि बहुत अच्छा एडवांटेजेज है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग इनहेरिटेंस, इसको पॉलीमॉर्फिज्म में दो पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन दोनों पार्ट में से सिर्फ एक ही पार्ट हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो कि मेथड ओवरलोडिंग सॉरी ओवरराइडिंग होता है, ठीक है। इसका ओवरराइडिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से बात करेंगे डीपली, ठीक है। तो ओवरराइडिंग यही होता है कि सेम फंक्शन दूसरे अपोजिट, मतलब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास में यूज किया जाता है, ठीक है, विथ इनहेरिटेंस उसके अंदर होना चाहिए, वैसे बोलते मतलब सेम नेम का मल्टीपल फंक्शन होता है विथ सेम आर्गुमेंट, तो उस तरह से होता है, ठीक है, जो कि क्लास ए में, मैं उसके बारे में डीपली आपको अगले आने वाले फ्यूचर ट्यूटोरियल वाले वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको समझ लीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में इनहेरिटेंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका डिसएडवांटेज है डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो डिसएडवांटेज एक ही है इसका लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, जो कि है टाइटली कपल्ड होता है कोई भी क्लासेस, ठीक है। टाइट कपलिंग का मतलब होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे हमने सो मेथड एक बनाया हुआ है, ठीक है, इस सो मेथड के अंदर में अगर कुछ भी लाइन में हम चेंज करते हैं तो वो सारा चेंज इसको भी इफेक्ट करेगा, बी को भी इफेक्ट करेगा और सी को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी से बचाने के लिए हमने पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए, यही चीज़ इसी को कहा जाता है टाइट कपलिंग, ठीक है, जो कि मतलब अगर क्लास ए के जो भी ये मेथड है जिसको हमने ओवरराइड किया हुआ, इस मेथड के अंदर जो भी चीज़ चेंज करेंगे वो इफेक्ट किसको पड़ेगा, बी को भी इफेक्ट करेगा और सी को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि कोड सारे में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो गाइस, आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा जावा के अंदर यूज होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वेबसाइट का लिंक है जिसमें मैंने कुछ ढेर सारे कोडिंग के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, विद अच्छे से उसको ये करके एकदम सिंपली कोड करके आप लोग वहाँ जा करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम चाहे इंटरव्यू बेसिस पे वो हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।